तो हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे, तो अभी हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट से देखे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बाद हम लोग देखेंगे उसका किसका ऑक्साइम से, तो कुछ और देख लेते हैं। जैसे 6-7 नंबर फ्रॉम ऑक्साइम, फ्रॉम ऑक्साइम। अब ऑक्साइम से क्या करेंगे तो बाई हाइड्रोलिसिस, बाई हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये हो जाएगा, बाई हाइड्रोलाइसिस। ये याद रखेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस का अर्थ होता है H2O या फिर H3O+, यही H2O के टूटेगा। तो अगर इसका हम लोग को फॉर्म याद है तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग ऑक्साइम, तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, तो अगर CH3, ये याद रखेंगे, फिर C और H यहाँ पे रहेगा एक साइड H, अगर डबल बॉन्ड NOH है तो इसी को हम लोग ऑक्साइम कहते हैं, एल्डो एल्डो ऑक्साइम। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं अभी आप लोग के सामने, यानी H3O+, H3O+, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, H3O+ लिखे या H2O लिखे एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पे देखें HOH, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इधर हम लोग के पास क्या है C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास H। तो सबसे पहले बॉन्ड तोड़ते हैं, तो फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा तो इधर जाएगा, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, फिर सेकेंड बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, यही ना आएगा। तो होगा क्या, दोनों बॉन्ड टूटा, तो दोनों बॉन्ड टूटा तो हम लोग के पास आ गया दोनों पे माइनस और ये कार्बन पे प्लस, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ पे देखें ये हो गया हम लोग के पास और ये हो गया हम लोग के पास प्लस, फिर ये बॉन्ड तोड़े प्लस और इस पे माइनस। अब ये बॉन्ड दोनों तो तोड़े थे हम लोग, तो इस पे क्या हो गया हम लोग के पास माइनस माइनस और इस पे प्लस प्लस, तो ये इसी से ना बॉन्ड बना लेगा और H इसके पास H इसके पास, तो यहाँ पे जो बनेगा क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे H, इसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। और इधर क्या बना OH, तो इधर रहेगा, इधर H2 बन गया, तो प्लस NH2OH। हम लोग रिएक्शन में इस रिएक्शन कराएंगे, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एनायन, हाइड्रोक्सिल एनायन, ये भी बन गया। तो ये हम लोग देख, फिर अगर एल्डो ऑक्साइम की जगह अगर कीटो ऑक्साइम इस्तेमाल करते हैं, ये भी देख लेते हैं, इधर CH3 C डबल बॉन्ड NOH और इधर हम लोग के पास क्या हो गया CH3, फिर इसी तरह हम लोग इधर देते हैं और यहाँ पे हम लोग H3O+, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इधर क्या बनेगा, बस सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पे CH3 बना C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और ये NH3OH हो गया। इसको क्या कहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O नीचे CH3, तो इसको हम लोग कहेंगे कीटोन, क्या कहेंगे कीटोन। तो ये हम लोग किससे बनाए याद रखें, फ्रॉम ऑक्साइम से बनाए, हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड और कीटोन बना लिए। अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है फ्रॉम एसिटल एंड कीटल, एसिटल से एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटल से कीटोन बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम एसिटल एंड कीटल, इसको हम हटा देते हैं, इसको आप लोग साइड में नोट करते चलेंगे ये सबको। अब हम लोग देख लेते हैं 7 के बाद 8, फ्रॉम एसिटल एंड कीटल,
इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, तो क्या होगा थोड़ा सा देखें यहाँ पे, इसको समझें। एसिटल किसको कहते हैं, किटल किसको कहते हैं, आर सी, अगर देखें यहाँ पे ओ और इधर आर, ओ इधर आर और इधर अगर एच है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटल, चूंकि ये एल्डिहाइड है। और इसका फिर उसी तरह हम लोग कराएंगे H2O या H3O+, तो क्या देगा थोड़ा देख लेते हैं क्या देगा, आप ही बताएं क्या देगा। देखें इधर ये बॉन्ड टूटेगा, अभी तो वाटर को तोड़े थे ना यहाँ पे, देखें इधर, तो इस बॉन्ड को तोड़े यहाँ पे, तो इस पे क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस, और इस पे ना इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, देखें इधर इस बॉन्ड को, फिर हम लोग को अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, देखें इधर टूटा, इस पे क्या हो गया माइनस, और इस पे क्या हो गया प्लस, फिर ये बॉन्ड को तोड़ेंगे, देखें इधर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इस बॉन्ड को तोड़ा माइनस और यहाँ पे प्लस, देखिए ये प्लस इसके पास आ जाएगा, ओ एच हो जाएगा, ओ एच, ये फिर यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर हम लेके आ गए तो यहाँ पे आप ही बताएं क्या हो जाएगा, आर सी, दो ठो प्लस है और ऑक्सीजन पे दो ठो माइनस है, तो बॉन्ड बना ना, तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ और इधर वाला एच, ये ठीक है, और प्लस आर ओ, इसके पास एच आ गया तो आर ओ एच, फिर आर ओ एच दो ठो हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो था, अभी इसको बॉन्ड को बना देते हैं, प्रोडक्ट हम लोग का तो बन गया, तो ये हम लोग का हो गया एसिटल, ये हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये हो गया हम लोग का एल्कोहल। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे CH3, ठीक है, CO CH3, इधर तो हम लोग H देंगे, इधर O CH3, किससे हाइड्रोलाइसिस, H2O या H3O, अब फिर इसे इसी तरह टूटेगा, क्या बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड CH3 मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर H प्लस टू अमाउंट में CH3 और OH, OH ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और ये हम लोग का क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट अब लोग हम लोग थोड़ा कीटल से बनाते हैं, तो कीटल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद रखेंगे कीटल में क्या हो जाएगा, ये एसिटल था, कीटल में यहाँ पे आर हो जाएगा, देखिए इधर आर ये तो रहेगा ही रहेगा, ये आएगा फिर आएगा जब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन चलेंगे तो ये आएगा, इसको हम लोग कहते हैं कीटल, कीटल, फिर इसका हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H3O+ कराएंगे, तो फिर H2O की तरह टूटेगा, सेम ऐसे ही टूटेगा, सेम यहाँ पे H H यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यानी कैसा कंपाउंड हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O आर प्लस टू अमाउंट में आर ओ एच, ये हो गया कीटोन हम लोग, और ये हो गया अल्कोहल, एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डो ऑक्साइड टू गिव एल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड, कीटो वाला नहीं बना पाए, इसका कीटोन कर देते हैं, रॉम एसिटल कीटल किए हैं, इसका कीटो एग्जाम नहीं किया, अगर चाहे तो आप लोग इसको हम अभी कर देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आप लोग को या लिखने के बाद यहाँ पे CH की जगह CH3 CO
CH3, और इधर CH3 ऑलरेडी है, तो ये किटल हो जाएगा, यानी यहाँ पे H3O पे प्लस दीजिए और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन यानी कीटोन, प्लस 2 CH3 OH मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये हम लोग का एसिटल और कीटल से बन गया। यहाँ पे एक तो चीज छोड़ दिया हम लोग, ये देखेंगे ध्यान से, एल्डो एंजाइम से बनाए थे, कीटो एंजाइम से नहीं बनाए थे, तो यहाँ पे हम कीटो एंजाइम से बना देते हैं। ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर यहाँ पे हम कीटो एंजाइम से बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, देखेंगे आप लोग, बताते हैं हम इसको, आप लोग लिखिए होंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे CH3 हो गया तो इसी का नाम बदल के हो जाएगा कीटो एंजाइम, कीटो एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 हो गया, नहीं ये तो किए थे, ये एल्डो एंजाइम कीटो एंजाइम यहाँ पे लिखे नहीं थे, कर दिए, थोड़ा देख लें, एल्डो एंजाइम था डायरेक्ट एग्जांपल, इधर कीटो एंजाइम, कीटो एंजाइम, एल्डिहाइड और कीटोन हम बना चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे 8 देख लिए, 9th और 10th देखेंगे, रोजेनबंड और स्टीफन, तो इसको आप लोग उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग देखते हैं।